साथियों, स्वागत है आपका टिप टॉप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है और सभी लोग लाइव आ जाएं, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करना है, ठीक है। और दोस्तों, आपको पता है कि रोज रात्रि 11 बजे जीके का खजाना भूल ना जाना आना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम याद करते हैं, रात्रि 11 बजे जीके पढ़ते हैं, ठीक है। और आज हम बिल्कुल महाअभ्यास करने वाले हैं, तो सभी लोग तैयार रहें उत्तर बताने के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे आज के, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। जो भी साथी अभी तक चैनल के मेंबर नहीं बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने अभी तक परीक्षा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, वो परीक्षा ऐप इंस्टॉल कर लें, जहां पर दोस्तों आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। आपका पेपर जेल प्रहरी का किस प्रकार से आएगा, कैसा लेवल है रहेगा, इसकी जानकारी के लिए आप जेल प्रहरी एग्जाम के लिए दोस्तों परीक्षा ऐप के मॉडल पेपर जो हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है। ये मॉडल पेपर आपको खरीदने होंगे और आपको दोस्तों यहाँ पर 40% ऑफ मिलेगा। कैसे ऑफ मिलेगा, आपको सेल्फ SC40 कूपन कोड यूज करना है तो ये आपको ऑफ मिल जाएगा। ये मॉडल पेपर आपको जरूर लगाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। आज का जो आपका पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश के बारे में, और मध्य प्रदेश के जीके का सबसे पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन स्थित है तो कहां पर स्थित है, ठीक है। सभी को उत्तर बताना है, सबसे पहले कौन उत्तर बता पाता है ये चीज भी आज हम देखते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहां स्थित है। चार विकल्प हैं, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं दोस्तों। पहला है आपका इटारसी, दूसरा भोपाल, तीसरा कटनी और चौथा है दोस्तों जबलपुर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, रेलवे जंक्शन की बात हुई है और रेलवे जंक्शन दोस्तों ये कहां पर है, बिल्कुल सही बताया अधिकांश लोगों ने, इटारसी, ठीक है, इटारसी। और आपको पता है दोस्तों, आप रेल को रस्सी से खींच पाओगे क्या, बोले सर रेल को रस्सी से नहीं खींच पाएंगे, रस्सी से नाप भी नहीं पाएंगे। तो ये रस्सी इटारसी है ना, रेलवे जंक्शन कहां पर है, इटारसी। और दोस्तों ये इटारसी कहां पर है ये आपको याद रख लेना है, ये इटारसी है होशंगाबाद में, कहां पर है, होशंगाबाद में। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है, सभी को याद रख लेना है ये चीज आपको याद रखनी है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, जबलपुर में। लेकिन सबसे बड़ा अगर आपसे रेलवे जंक्शन पूछा जाए तो ये इटारसी है, और इटारसी होशंगाबाद में है, ठीक है। और होशंगाबाद में आपको बोरी अभ्यारण जरूर याद रख लेना है, बोरी अभ्यारण होशंगाबाद, ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद, ये चीज जरूर याद रखनी है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला है ना, तो कौन सा है, छिंदवाड़ा, भोपाल, कटनी या फिर जबलपुर। और दोस्तों 2 सेकंड में आप लोग सभी उत्तर बताएंगे, बिल्कुल सरल आंसर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपको बताना है। और मैं आपको बता दूं कि जो भोपाल है ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, जो जबलपुर है ये संस्कारधानी है, ठीक है, जो कटनी है ये चूना नगरी है, ये चीज भी याद रखनी है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो छिंदवाड़ा है जहां पर एग्रो कॉम्प्लेक्स है, पातालकोट है, ठीक है, कहां पर, छिंदवाड़ा में, ये याद रख लेना, सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और ए है दोस्तों आपका छिंदवाड़ा, जहां पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है सिवनी और छिंदवाड़ा में, ठीक है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी तांबे की खदान कहां पर स्थित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, और 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन बताएंगे। सबसे पहले कौन इसका उत्तर बताता है, प्रश्न क्रमांक 3 का, वो भी मैं देख जाता हूं। और दोस्तों आपको देखे होंगे कि आपने देखे होंगे अपने घर में सोने के बाला पहनते हैं, सोने के बाला पहनते हैं, बोले सर गरीबी बहुत आ गई है, अब हमें तांबा के बाला पहनना है, काहे के पहनना है, तांबे के, काके अब का पहनना है, बाला, तो तांबे की बात आई है तो तांबे की खदान कहां पर होगी, बाला पहनना है तो बालाघाट है ना, तांबा की जो खदान है दोस्तों वो बालाघाट में है ना, और ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और बालाखंड की जो मलाजखंड खान है, मलाजखंड, ये तांबे की खदान के लिए जानी जाती है, मलाजखंड, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और दोस्तों ये है आपका बालाघाट, ये बालाघाट है, यहां पर आपकी मलाजखंड खान है और यहां पर तांबा पाया जाता है, ठीक है।
तो ये चीज आपको याद रखनी है। बालाघाट सबसे नीचे है, देखो नेक्स्ट है धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। धूपगढ़ ए मध्य प्रदेश की बताना, मध्य प्रदेश की सॉरी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। मैं देखता हूं सभी के, देखता हूं निधि खत्री जी, जागृति जी, शंकर जी, सभी के आंसर देख रहा हूं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको पता है दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर है ये, ठीक है धूपगढ़, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1350 मीटर है, ठीक है। अब ये चीज भी आपको याद रख लेना है, अरावली पर्वत की जो है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। बुंदेलखंड के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सिद्ध बाबा है, सिद्ध बाबा, ठीक है। और मालवा की आपको याद रख लेना है, आपको ही बताना है। और जाना पाव की अगर बात करें दोस्तों तो यहां से चंबल नदी निकलती है, कहां से, जाना पाव से, है ना, चंबल नदी। और ये चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है ना। और सिद्ध बाबा ये बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ये चीज भी याद रखनी है। और ये आपका धूपगढ़ कहां पर है, होशंगाबाद, यहीं पर पचमढ़ी है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई भी है, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में बाघ की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि संसार की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। और इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है नेपाल में, नेपाल में से क्या कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को, सागर माता। अब आपको बाघ की गुफाएं बताना है कहां पर, मैंने कई बार आपको याद करवाए हैं कि बाघ के दांत पैने होते हैं, अगर आपके हाथ में लग जाए तो खून की धार लग जाएगी, धार, तो ये धार जिले में है। मांडू है दोस्तों यहां पर, मांडू जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, मांडू को आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए किसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, तो आप बता देना मांडू, ठीक है। उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है ना, महाकालेश्वर मंदिर भी है और महाकाल की नगरी भी इसे कहा जाता है उज्जैन। इसका प्राचीन में नाम क्या था, अवंतिका, क्या नाम था इसका, अवंतिका नाम था प्राचीन में, ठीक है ये भी याद रख लेना है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पर आपका धार है, और नेक्स्ट आपको बताना है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं तो गलत नहीं होना चाहिए। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बतानी है, कहां की है, तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर बताना है, हां कल भी पूछ लिया था, वेरी गुड। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है ना, कुछ क्वेश्चन रिपीट अगर हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बम्पर याद हो जाएंगे, है ना। और आपका जो अरावली पर्वत है, ये अरावली पर्वत दीपक जी, इसकी चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, सतपुड़ा श्रेणी की धूपगढ़, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक चोटी, ठीक है। सिद्ध बाबा बुंदेलखंड की है ना, बुंदेलखंड के पर्वत की सिद्ध बाबा। एक फैक्ट आपको रट जाएंगे दोस्तों, मैं इतनी बार आपको बताऊंगा कि वो चीज आपकी रट जाएगी। और ये गुरु शिखर कहां पर है, तो ये राजस्थान में पड़ती है दोस्तों, राजस्थान, माउंट आबू, माउंट आबू में है ये गुरु शिखर। ये अरावली पर्वत की दोस्तों सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, और इसे नवीन बलित पर्वत भी कहा जाता है अरावली को, है ना। नेक्स्ट आपको बताना है भरबेली नामक एशिया की सबसे बड़ी मैग्नेज की खदान कहां पर स्थित है, भरबेली, ये आपको प्रश्न क्रमांक 7 में उत्तर बताना है। और आपको पता है दोस्तों कि जो एशिया की पूछी गई और मैग्नीज की पूछी गई, तो मैग्नीज नगरी किसे कहा जाता है, मैग्नीज नगरी, और मैग्नीज नगरी कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है किसे, बालाघाट को, है ना, बालाघाट को कहा जाता है। और बाला हमें तांबे के बनवाना है, तो तांबे की बड़ी खान कहां पर है, बालाघाट में, और मैग्नीज की खदान स्थित है तो कहां पर है, बालाघाट में, ठीक है। और ये मैग्नीज नगरी कहा जाता है इसे बालाघाट को। और धार में माही नदी निकलती है दोस्तों, धार से, धार माही की धार, ठीक है, माही की धार याद रख लेना है, ठीक है। और इंदौर के निकट से कौन सी निकलती है आपकी, काकरी वर्णी से छिप्रा निकलती है, काकरी वर्णी से छिप्रा निकलती है, जाना पाव से चंबल निकलती है, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों कि संविधान के जनक कहे जाते हैं कौन, डॉक्टर अंबेडकर जी, अंबेडकर जी कहे जाते हैं। और अंबेडकर, ये जो अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो महू में हुआ था, है ना, और हम 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं, और इस महू का नाम अब रख गया है डॉक्टर अंबेडकर नगर,
इस महू का, जहां से जानापाव से चंबल नदी निकलती है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रख लेनी है। और इंदौर एक खान नदी के किनारे स्थित है इंदौर, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों ये है आपका बालाघाट, बालाघाट याद रख लेना। मैग्नेज नगरी, तांबा की खदान यहीं पर है ना, और ये भरबेली जो खदान है मैग्नेज की वो बालाघाट में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में खुली जेल स्थित है, तो कहां पर स्थित है खुली जेल? दोस्तों खुली जेल आपको बताना है, चार विकल्प हैं, सभी लोग आंसर बताएंगे। और चार विकल्प हैं और खुली की बात हो रही है, तो ये कहां पर होगी? ये है दोस्तों आपकी, चार में से सभी लोगों ने चयन किया है कि सर ये खुली जेल है कहां पर, मूंगावली है ना, मूंगावली, यानी कि आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी। और दोस्तों आपको पता है ये मूंगावली कहां पर है? मूंगावली है आपके अशोक नगर जिले में, कहां पर? अशोक नगर जिले में है, ठीक है, मूंगावली। अब एक चीज और पूछी जाती है दोस्तों, यहां पर खुली जेल है मध्य प्रदेश की, ठीक है, और ये देखो ये है आपका अशोक नगर, और अशोक नगर में मूंगावली में खुली जेल है। दूसरा पूछा जाता है दोस्तों चंदेरी की साड़ियां, ठीक है, चंदेरी की साड़ियां प्रसिद्ध हैं, ये भी कहां पर है? अशोक नगर में है, ठीक है। यहां पर दोस्तों याद रख लेना, यहां पर खूनी दरवाजा भी है, खूनी दरवाजा चंदेरी में है और बुरहानपुर में भी है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। खूनी दरवाजा कहां पर है? एक आपका बुरहानपुर में भी है और चंदेरी में भी खूनी दरवाजा है, ठीक है, याद रखेंगे। चंदेरी में जागेश्वरी देवी का मेला भी लगता है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जागेश्वरी देवी का मेला कहां लगता है, तो ये चंदेरी में लगता है ना, याद रखना, और ये अशोक नगर जिला में पड़ता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मध्य प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय स्थित है, तो कहां पर स्थित है? दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा पर्यावरण है सबसे ज्यादा निकट इसका संबंध होता है काय से, पृथ्वी से या फिर भू से, भू से होता है, ठीक है, भू। तो अगर भू को कोई गंदा करेगा है ना, तो उसके लिए पर्यावरण न्यायालय होना चाहिए कि नहीं? वैसे हम पढ़ते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है, इसकी दो खंडपीठ हैं इंदौर और ग्वालियर में, लेकिन पर्यावरण के न्यायालय बनाया गया दोस्तों तो वो बनाया गया भोपाल में, ठीक है। और जब भोपाल की बात आती है तो यहां पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है भोपाल में, ठीक है, और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सर्प राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है? भोपाल में ही है। मैग्नीज नगरी, बालाघाट है ना, धार में मांडू है, और आपकी मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, और माही यहीं से निकलती है, माही नदी यहीं बहती धार में, बाघ की गुफाएं भी यहीं पर हैं धार में, और डायनासोर पार्क भी धार में है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। उज्जैन को अवंतिका के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको मैं कई बार बताऊंगा दोस्तों, और आपको ऐसे रट जाएंगे कि कभी आपने मतलब भूल ही नहीं पाएंगे, है ना। मध्य प्रदेश में जड़ी बूटी बैंक कहां पर स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, जड़ी बूटी बैंक। अब एक चीज बताना कि जड़ी बूटी बैंक कहां स्थापित किया जाएगा? जहां पर घने जंगल होंगे, जहां पर घने जंगल होंगे वहां जड़ी बूटी भी बहुत मिलेगी, वहीं पर जड़ी बूटी बैंक बना दिया जाएगा। तो आपने पढ़ा है कि सतपुड़ा के घने जंगल ऊंगते अनमने जंगल, यानी कि ये जड़ी बूटी बैंक भी वहीं बनाया जाएगा दोस्तों, घने जंगलों में, यानी घने जंगल कहां पर हैं? पचमणी में। पचमणी यानी कि दोस्तों ये आ नंबर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एगोस जी, फड़के, फड़के स्टूडियो भी धार में है, बहुत बढ़िया। और ये जड़ी बूटी बैंक कहां बनाया गया? पचमणी। और पचमणी आपका कहां पर है? होशंगाबाद में, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना, बिल्कुल नाम भी लेते जा रहे हैं। और ये पचमणी को पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। पचमणी पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है, कभी कभी जाना दोस्तों, यहाँ का जो धूपगढ़ में सनसेट होता है, सनसेट बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही बढ़िया और दुर्लभ यहाँ का नजारा होता है, ठीक है। और होशंगाबाद में सतपुड़ा, बोरी, पचमणी, ठीक है, ये सभी याद रखना है हमें। होशंगाबाद में पवारखेड़ा भी है, होशंगाबाद में गेहूं अनुसंधान केंद्र, मैंने बताया था आपको कि पवारखेड़ा में गेहूं अनुसंधान केंद्र है। प्रश्न क्रमांक 11 में बताना है शासकीय लाख कारखाना कहां पर स्थित है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से बताएं 11 का आंसर सबसे पहले कौन बताएगा उसका नाम लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, हिंडोला महलवी धार में है, बहुत बढ़िया राहुल सिसोदिया जी, जिसको जो तथ्य याद आते हैं वो तथ्य जरूर लिखा करें, उनके नाम तो स्पेशल लिए ही जाएंगे जो तथ्य बीच बीच में बताते जाते हैं, है ना, क्योंकि आपका नॉलेज दूसरों तक पहुंचे एक माध्यम बन जाता है। शासकीय लाख कारखाना
ये कहां पर है, तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, कहां पर, उमरिया में। लाख कारखाना उमरिया है, और एक बात बताना कि लाख साल उमरिया कौन पाना चाहता है? बोले सर मेरी उमरिया 1 लाख साल हो जाए। कितनी हो जाए? 1 लाख साल। तो लाख कारखाना उमरिया में है, और उमरिया में एक और चीज है जो विशेष है, वो कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये उमरिया में है। और दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाए जाते हैं? सफेद शेर पाए जाते हैं, और ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और ये उमरिया में है, और यहाँ पर शासकीय लाख कारखाना भी स्थित है उमरिया में। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रख लेना है, शिवानी शुक्ला जी, गिरजा जी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? दोस्तों यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं मध्य प्रदेश में, कभी भी आपने देखा होगा कि है ना, 2 क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? एक तो बनता है एशिया का सोयाबीन के सबसे बड़ा कारखाना कहां पर है, ठीक है, दूसरा बनता है कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है ना। ये दोनों क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है अंजलि जी, है ना, क्या नहीं होना, कंफ्यूजन। तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान की बात हो तो अनुसंधान में हमें इंदौर पहुंच जाना है, और अगर कारखाना की बात हो तो उज्जैन पहुंच जाना है। ठीक है, सोयाबीन की फसल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है, सोया स्टेट से कहा जाता है, और सोयाबीन में जो प्रोटीन की मात्रा होती है दोस्तों वो लगभग 43%, यानी कि सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। ठीक है, और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? इंदौर में, और एशिया का सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना है तो वो उज्जैन में है। ठीक है, और उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है, और इंदौर ए है, इंदौर को अहिल्या नगरी, कपड़ा नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, और एक खान नदी के किनारे भी स्थित है, ये तो आपको रट ही जाएंगे। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कई बार कि मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो गन्ना आपका नरसिंहपुर में है। ठीक है, अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? आपका रतलाम में है। धान अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो आपका बड़वानी में है। ठीक है, और गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये दोस्तों आपका कहां पर है? पबारखेड़ा। पबारखेड़ा यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही बताया है भारती अहरवाल जी ने, डी नंबर, ये पबारखेड़ा में है। और पबारखेड़ा कहां पर है? तो ये होशंगाबाद में है। ठीक है, हमें क्या मिलता है? पावर मिलता है, पावर कैसे? गेहूं से पावर मिलता है, तो पबारखेड़ा में गेहूं अनुसंधान केंद्र होगा। सभी लोग रोटी खाते हैं, और रोटी गेहूं की होती है, और गेहूं से पावर मिलता है, तो पबारखेड़ा होशंगाबाद, और होशंगाबाद में सतपुड़ा है ना नेशनल पार्क, तो आपको याद रखना, और ये टाइगर रिजर्व में शामिल है। कौन? सतपुड़ा, यानी कि यहां पर टाइगर को संरक्षण दिया गया है। और टाइगर प्रोजेक्ट आपको पता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे पहले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में चलाया गया था टाइगर प्रोजेक्ट, और मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ब्रेडरी प्रजाति के 12 सिंगा के लिए संरक्षित माना जाता है। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी, बिल्कुल प्रश्न आसान है, लेकिन इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हम पूरे याद करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। और निकिता जी देख रहा हूं मैं, शुभ जी है ना, शशांक जी, सभी के उत्तर देख रहा हूं। मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो नदी मानी जाती है नर्मदा। और यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई वो कितनी है? 1312 किलोमीटर मध्य प्रदेश की। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की जो है नर्मदा की, मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? तो ये भी याद रख लेना है, 1077 किलोमीटर, ये मध्य प्रदेश में है, और कुल लंबाई 1312 में है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, इसे मध्य प्रदेश की जीवर रेखा कहा जाता है ना। और ये दोस्तों क्या होता है निशांत जी, कि जो नर्मदा नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती, गुजरात के पास खंबात की खाड़ी में ये अरब सागर में गिरती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के जो है अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, ये अमरकंटक से निकलती है, और दोस्तों ये अमरकंटक अनूपपुर है, अनूपपुर में ये अमरकंटक है, यहां से नर्मदा निकलती है, और यहां से सोन नदी निकलती है, और सोन नदी पर बाणसागर बांध बना है, ये भी आपको याद रख लेना। आपसे पूछा जाएगा कि बाणसागर बांध किस नदी पर बना है, तो आपको बताना है सोन नदी पर। और ये जो सोन नदी है दोस्तों,
ये एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा की सहायक नदी मानी जाती है, सोन नदी, और ये भी अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। और ये नर्मदा नदी पर अनूपपुर में ही दोस्तों सहस्त्रधारा जलप्रपात है, सहस्त्रधारा जलप्रपात है, और कपिलधारा जलप्रपात भी यहीं पर है, अमरकंटक में ही है, और ये नर्मदा नदी पर बने हैं, ठीक है, इनको भी याद रख लेना है। और दोस्तों एक जो इसमें सबसे बड़ा बांध बना है नर्मदा नदी पर, वो बना है सरदार सरोवर बांध, ये गुजरात में है, और ये भी आपको याद रख लेना है। मैं आपको बता दूं कि सरदार सरोवर जो बांध है ये गुजरात के नर्मदा, कहां पर, नर्मदा जिले में बना है सरदार सरोवर। और दोस्तों सरदार सरोवर की जो प्रस्तावित ऊंचाई थी वो कितनी थी, 130 मीटर थी, लेकिन मेधा पाटकर और दोस्तों बाबा आमटे, इन्होंने इस ऊंचाई के विरोध में एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था, क्या नाम था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। इस 130 मीटर की वजह से बहुत सारे ऐसे गांव थे, बहुत सारा बन था जो डूब में आ रहा था, इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के बाद अब वर्तमान में जो सरदार सरोवर की ऊंचाई है वो 90 मीटर है, ये भी आपको याद रख लेनी है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है राज रॉयजी, 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है, वो नदी है चंबल नदी, जो कि कहां से निकलती है दोस्तों, चंबल जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, आपको बताना है कमेंट में। सुश्री नर्मदा देवी थी, सुश्री सरला ग्रेवाल थी, सुश्री उमा भारती, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों, एमपी जीके और पूरा इंडिया का जीके ऐसे पढ़ाएंगे आपको दोस्तों, कभी आप भूल नहीं पाएंगे, एक एक चीज आपको रट जाएगी, ठीक है। अब की बार जेल प्रहरी पार, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो आप सभी को पता है कि महिला राज्यपाल की जब बात हो रही है तो महिला राज्यपाल कौन होंगी, सुश्री सरला ग्रेवाल, बहुत ही सरल होंगी दोस्तों, कैसी होंगी, सरल होंगी, ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल मानी जाती हैं सुश्री सरला ग्रेवाल जी, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर राहुल जी, भारती जी, है ना, और मानसी शर्मा जी, और जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं दोस्तों वो व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं। और अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग क्या करके आते, गलत करके, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, लेकिन आपको गलत नहीं करना है आज। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजाति हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, सुकमा जी चौहान, बंटू जी सेन, प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर आपका क्या होगा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो जनजाति का नाम बताना है, और वो जनजाति है दोस्तों, बिल्कुल सही बताया है प्रकाश जी ने कि भील जनजाति, याद रख लेना, अब पहले गोंड थी अब हो गई है भील, और भील यानी कि ये नंबर आपको सही लगा के आना है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील, ये नंबर बिल्कुल सही होगा, दूसरे नंबर पर है कौन सी, गोंड, ठीक है, तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है, बैगा जनजाति वाली कृषि बतानी है, इसे क्या कहा जाता है, बेबार कृषि कहा जाता है, पेज कृषि, ब्यारी, या फिर कोई नहीं, इस कृषि को क्या कहा जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि, और इसे कहा जाता है दोस्तों क्या क्या जाता है, वो कहा जाता है इसे झूमिंग कृषि कहा जाता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि झूमिंग कृषि को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है बेबार कृषि, ठीक है, बेबार यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। और आपको पता है दोस्तों कि कृषि जो लोग करते हैं उन्हें किसान कहते हैं, और किसानों का मित्र केंचुआ को कहा जाता है, और केंचुआ पालन को बर्मी कल्चर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बर्मी कल्चर, ये याद रखेंगे। और आपको पता है दोस्तों किसानों का देश कहा जाता है फ्रांस को, फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है, और फ्रांस की राजधानी है दोस्तों पेरिस, क्या है, पेरिस, और पेरिस में आपका यूनेस्को का मुख्यालय है, काय का मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय। आपसे कई बार पूछा जाता है कि सर यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, तो आप बता देना पेरिस, और पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है, और ये फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है, यूनिसेफ का, तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है,
न्यूयॉर्क, कहां पर है दोस्तों, न्यूयॉर्क लगा देना। बोले सर ये न्यूयॉर्क में है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, ठीक है, अधिकांश लोगों को पता है। और मध्य प्रदेश में बेबार कृषि की जाती है, ठीक है, इसे झूमिंग कृषि भी कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही। अगला है गरीबनाथ का मेला कहां लगता है, गरीबनाथ का मेला मैंने आपको कई बार बताया है दोस्तों, याद भी करवाया है कि गरीब को सजा मत दीजिए, गरीब को सजा दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों याद रख लेना है रोज रात्रि 11 बजे जीके का डोज है ना, जीके का खजाना भूल ना जाना आना, अब की बार जेल प्रहरी पार, ठीक है। गरीबनाथ का मेला कहां लगता है आपको बताना है। आपने देखा होगा दोस्तों कि हमारे आसपास पड़ोस गरीब है ना, बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं है ना, और ये गरीबनाथ का मेला लगता है तो वो लगता है साजापुर में, ठीक है। तो मैंने आपको याद करवाया था कि गरीब को सजा मत दीजिए, गरीब को सजा दीजिए, यानी कि सजा से क्या हो जाएगा, साजापुर, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, बी नंबर साजापुर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां पर गरीबनाथ का मेला लगता है दोस्तों, ये याद कर लेना, कई बार पूछा भी गया है। और ये है आपका साजापुर, साजापुर यहां से दोस्तों साजापुर को विभाजित करके एक जिला बनाया गया, कौन सा, आगर मालवा, ठीक है, आगर मालवा बना दिया गया। अब आगर मालवा में अगर कभी पूछा जाए कि बगलामुखी मंदिर कहां पर है, कौन सा, बगलामुखी, याद रख लेना ये बगलामुखी मंदिर दोस्तों कहां पर है आपका, आगर मालवा में है, ठीक है। पहले साजापुर में आता था जब पूरा साजापुर था, अब जो है इसे आगर मालवा में बगलामुखी मंदिर है, इसको याद रखेंगे। और गरीबनाथ का मेला साजापुर में लगता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और हाँ, सभी देश की राजधानी की ट्रिक भी बना देंगे, ओके, बिल्कुल शिवानी जी। मध्य प्रदेश में मोती महल कहां स्थित है, मोती महल बहुत ही बढ़िया है, विदिशा, मंडला, दमोह या फिर इंदौर में मोती महल बताना है, ये कहां पर स्थित है दोस्तों। और एक चीज बताना कि जो मोती है दोस्तों, अगर मोती कहीं डला मिल जाए आपको है ना, आपके आसपास आप घर से निकले और मोती डला मिल जाए तो आपका मन डोल जाएगा, उठाएं कि ना उठाएं, उठाएं उठाएं कि ना उठाएं, आपका मन डोल जाएगा। तो ये मोती महल कहां पर होगा, कहां पर होगा, मंडला। बोले सर मोती डला मिला तो मेरा मन डोल गया, मन डोल गया तो मंडला है ना, वैसे ही हमने याद किया था कान्हा को कि कान्हा को देखकर मन डोला तो मंडला, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला, मोती महल मंडला, फैन राष्ट्रीय उद्यान मंडला, ठीक है। तो मंडला के बारे में बहुत सारे तथ्य आपको याद रख लेना है। और दोस्तों अगला जो अपना प्रश्न है, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों घास के मैदान, अब हम बर्ड पे आ जाते हैं, कुछ घास के मैदान पढ़ते हैं। ये आपका विश्व है, पूरा विश्व का नक्शा है, ठीक है। यहां पर देखो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है आपका, ठीक है, ये दोस्तों आपका एशिया महाद्वीप है ना, ये आपका यूरोप महाद्वीप है, ये अफ्रीका है, ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, और ये दोस्तों आपका अटलांटिका है। ये सात महाद्वीप हैं अपने, है ना। आपसे पूछा जाता है कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं, तो आप बता देना सात महाद्वीप हैं, ठीक है, सात महाद्वीप। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप बता देना एशिया महाद्वीप, ये सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है, ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है। ये दो चीजें तो आपको याद हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आपको बताना है कि बेल्ट घास का मैदान कहां पर है ना, ये भी आपका पूछा जाएगा। अब आपको बताना है बेल्ट घास का मैदान ये कहां पर है, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राजील में, तो आंसर क्या होगा, बेल्ट घास का मैदान ये दोस्तों बेल्ट से बनेगा आपका, क्या, बेल्ट। आप लोग बेल्ट खरीदने जाते हो और मैं बोलूं कि बेल्ट मिल रहा है फ्री का, बेल्ट फ्री का मिल रहा है, तो बोले आ फ्री का और जा फ्री का, सर जब बेल्ट मिल रहा है फ्री का तो हम पहुंच जाएंगे अफ्रीका, है ना, ये दक्षिण अफ्रीका में है और ये बेल्ट है, बेल्ट, और बेल्ट अगर फ्री का मिल जाए तो आप अफ्रीका पहुंच जाओगे, पहुंच जाओगे कि नहीं, है ना। तो दक्षिण अफ्रीका में है दोस्तों आपका कौन सा, बेल्ट घास का मैदान, इसको याद रख लेना है। अब बेल्ट फ्री के मिल रहे हैं तो सभी लोग लेने पहुंच जाना, ठीक है। पंपास घास का मैदान कहां पर स्थित है, पंपास बताना है ये कहां पर है आपका, पूरा दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि आपसे जीके कहा गया, जीके यानी वर्ड का जीके,
पूरा पूछा जाएगा, जीके की कोई सीमा नहीं है, एमपी का, इंडिया का, वर्ल्ड का, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पंपास घास का मैदान बताना है कहां पर स्थित है, अर्जेंटीना में, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राजील में। तो आपको बता होगा दोस्तों कि अगर आप कहीं यात्रा करने जाते हो तो आपको कंपास की जरूरत होती है अर्जेंट में, आपको कंपास की जरूरत अर्जेंट में होती है ना, अर्जेंट में होती है, कि कंपास या पंपास, कंपास या पंपास, तो अर्जेंट यानी कि अर्जेंटीना, ठीक है, ये अर्जेंटीना आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये अर्जेंटीना कहां पर है तो याद रख लेना, ये अर्जेंटीना है आपका दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना है। और यहां पर आपका कौन सा घास का मैदान है, पंपास, ठीक है, पंपास अर्जेंटीना में, क्योंकि हमें कंपास की जरूरत अर्जेंट पड़ती है ना, जब आप गणित के क्या करते हो सवाल, तो आपको अर्जेंट पड़ती ना कंपास पंपास, है ना। सबाना घास का मैदान कहां पर होगा दोस्तों, सबाना आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा, कौन सा है, सहारा मरुस्थल, सहारा कहां पर है, अफ्रीका में, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, गोबी का मरुस्थल। फिर भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल, ठीक है, ये मरुस्थल भी आपको याद रखने हैं। सवाना घास का मैदान कहां पर है, तो सवाना दोस्तों, अब जैसे आपको बेल्ट मिल गया, बेल्ट फ्री का मिल गया, तो बोले सब आना, आप आना फ्री का, जाना फ्री का, सब आना फ्री का, है ना। तो ये अफ्रीका में है, आना फ्री का, जाना फ्री का, सब आना फ्री का, सब आना फ्री का, तो सबाना फ्री का, इसको याद रखेंगे। और डाउन घास का मैदान कहां पर स्थित है, प्रश्न क्रमांक चार में आपको बताना है, डाउन, डाउन कहां पर है, अर्जेंटीना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राजील में। और लास्ट में 20 क्वेश्चन आपके जीएस के भी लिए गए हैं दोस्तों, जीएस के जो आपके एसआई मात्रक के हैं वो जीएस के पढ़ने वाले हैं अपन। और डाउन है दोस्तों आपका कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही बताया शिवानी जी, चार नंबर बताना है वैसे तो। डाउन घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है, और ये है दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया, यहां पर देखो ये सब ऊपर है, ये ऑस्ट्रेलिया डाउन पड़ गया, डाउन यानी कि यहां नीचे पड़ गया अकेला डाउन, तो डाउन कहां पर होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप डाउन हो गया सभी से, तो डाउन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, याद रखेंगे। पार्कलैंड घास का मैदान कहां पर है, पार्कलैंड, अर्जेंटीना में, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राजील में, पार्कलैंड घास का मैदान, प्रश्न क्रमांक पांच में। और दोस्तों एक चीज बताना कि अगर फ्री को, फ्री का आपको पार्क करने मिल जाए, फ्री का, अभी अपने भारत में क्या होता है कि पार्क करने जाते गाड़ी तो पैसे लगते हैं, लेकिन आपको फ्री का मिल जाए पार्क करने, तो पार्क करने क्या मिल जाए, गाड़ी पार्क करने मिल जाए फ्री का, तो अफ्रीका, पार्कलैंड अफ्रीका, ठीक है, ये तो फ्री का है दोस्तों सब, आ फ्री का, जा फ्री का, पार्क करने भी मिल जाए फ्री का। नेक्स्ट है स्टेपी घास का मैदान कहां पर है, स्टेपी, अर्जेंटीना में, दक्षिण अफ्रीका में, यूरेशिया या फिर ब्राजील में, स्टेपी घास का मैदान, दीपक जी, और सभी को पता है कि जो स्टेपी है ये है यूरेशिया, यूरेशिया यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थोड़े कठिन प्रश्न है, लेकिन आपको ये जीके का याद होने चाहिए, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, फिर नहीं बोलना सर कि ये जीके में कहां से आ गए घास के मैदान। ये देखो यहां पर है दोस्तों आपका यूरेशिया, यूरेशिया में नहीं आपको लग रहा, यूरे से बनेगा यूरोप और एशिया से एशिया, यानी कि यूरोप और एशिया को क्या कर दिया गया, टेपिंग कर दिया गया, टेप है ना, तो स्टेपी यानी कि टेपी, टेप कर दिया गया काय को, यूरेशिया को, यूरोप और एशिया, तो ये आधा एशिया में है आधा यूरोप में है, यूरोपिया है ना, एशिया यूरेशिया, तो इसको याद रख लेंगे। तो स्टेपी घास का मैदान कहां पर है, यूरेशिया में, ठीक है, यूरेशिया। नेक्स्ट है कैंपास घास के मैदान कहां पर है, कैंपास, आपको कैंपास से नहीं लग रहा दोस्तों कि टैंपास, कैंपास से आपको लग रहा होगा टैंपास है ना, और टैंपास करते हैं कहां के लोग, फुटबॉल खेलकर ब्राजील के लोग टैंपास करते हैं, टैंपास यानी कि कैंपास, तो ये कैंपास घास का मैदान कहां पर होगा, कहां पर होगा बंटू जी, टीकाराम जी, कैंपास करते हैं ब्राजील यानी कि ब्राजीलिया, ब्राजील में, और ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया, ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया,
इसको याद रखेंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेरी घास के मैदान कहां पर है, प्रेरी प्रश्न क्रमांक 8 में बताना है। और प्रेरी का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह है कहां पर, ब्राजील, प्रेरी सॉरी ब्राजील नहीं, उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका के क्या है, उत्तरी अमेरिका की जो लड़कियां होती हैं दोस्तों वो क्या करती हैं, प्रेरी करती हैं, क्या करती, प्रेरी यानी कि प्रेयर करती हैं, प्रेयर, ठीक है। तो प्रेरी करते हैं कहां की लड़कियां, उत्तरी अमेरिका की। तो प्रेरी घास का मैदान कहां होगा, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। और ये आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिणी अमेरिका, यहां पर पंपास घास का मैदान है ना, अर्जेंटीना में, और यहां पर उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास का मैदान है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको बताना है दोस्तों, लानोस घास का मैदान कहां पर है, लानोस कोलंबिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील या फिर यूरेशिया। और आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ये कहां पर है, कोलंबिया वेनेजुएला में, कोलंबिया यानी कि लंबिया, क्या यहां पर आया, नोस, नोस लंबिया, नोस क्या है, लंबिया, यहां पर चित्र में देखो जरा, नोस जो नोज है वो लंबी है, तो नोज क्या है, लंबी, तो लंबिया, तो लानोस कहां हो जाएगा, कोलंबिया में, लंबिया याद रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हमें पढ़ना है क्या, जीएस, और जीएस में सबसे पहला जो आपका प्रश्न है वो क्या है, लंबाई का मात्रक क्या है। जीएस में सबसे पहला आपको बताना है प्रज्ञा तिवारी जी कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, एम्पियर, केल्विन या फिर सेकंड। और चार विकल्प हैं, सभी लोग उत्तर बताएंगे। जीएस भी आपको पढ़ना है, जीके भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और एमपी जीके के साथ साथ इंडिया का जीके भी पढ़ना है, ठीक है, ये भी आप मानसिकता बना के रखें, है ना। और यहां पर आपको पता है किसी भी लंबाई, जैसे हम बोलते कपड़ा की लंबाई नापो, बोले सर कपड़ा की लंबाई 5 मीटर है, 5 मीटर, तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, 5 मीटर, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पवन धाकड़ जी, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है विद्युत धारा का मात्रक क्या है, प्रश्न क्रमांक 2 में, विद्युत धारा मीटर है, एम्पियर है, केल्विन या फिर सेकंड है। और आपको पता होगा दोस्तों कि जो एम्पलीफार्म होता है, एम्पलीफार्म है ना, वो कैसे चलता है, एम्पलीफार्म आपके यहां जो साउंड लगा देते हैं एम्पलीफार्म लगा के, वो कैसे चलते हैं, विद्युत से, है ना। तो विद्युत की धारा आती है दोस्तों एम्पलीफार्म में, ये एम्पलीफार्म देखो, तो एम्पलीफार्म से बनेगा आपका एम्पियर, और ये एम्पियर किसका हो जाएगा, विद्युत से। अब ये एम्पलीफार्म बिना विद्युत के नहीं चल पाएगा, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है राकेश जी। नेक्स्ट आपको बताना द्रव्यमान का मात्रक क्या है, द्रव्यमान यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हमें लिखना है, जितेंद्र सैलू जी। और मीटर है, केल्विन है, किलोग्राम है या फिर सेकंड है, यानी कि 4 है। और कोई भी द्रव्यमान होता है, जैसे जैसे हम बोलते हैं ना 50 किलो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, किलोग्राम बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है विपिन पांडे जी, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, किलोग्राम, ठीक है आपने बिल्कुल सही बताया। नेक्स्ट आपका ताप का मात्रक क्या होता है, मीटर, एम्पियर, केल्विन या फिर सेकंड। सभी विषयों पर समान जोर देना है अपन को, समानता के अधिकार के साथ सभी विषयों को पढ़ना है ना। और ताप का जो मात्रक होता है वो होता है दोस्तों क्या होता है, क्या होता है, केल्विन, क्या होता है, केल्विन, यानी सी नंबर बिल्कुल सही बताया है, ठीक है केल्विन होता है ताप का मात्रक, केल्विन, और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप केला खा लो दोस्तों, केला, और केला खा के पानी पी लो, दूसरे दिन आपका ताप बढ़ जाएगा, बोले सर सर्दी जुकाम हो गया, ताप बढ़ गया, क्या खा लो, केला, तो केला से केल्विन, और केला खा लिया तो ताप बढ़ गया, तो केल्विन ताप का मात्रक हो जाएगा, ठीक है ऐसे याद भी करेंगे। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो क्या है ज्योति तीव्रता का, मीटर है, एम्पियर है, कैंडेला या फिर सेकंड है। 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं, 4 में से एक का चयन करना है, और उत्तर क्या हो जाएगा, शाहरुख खान जी, अरुण जी, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, और 5 का आपका यहां पर देख ही रहा है, बोले सर ज्योति तो हम कैंडेला में जलाते हैं, काय में जलाते, कैंडेला, तो सी नंबर कैंडेला, ये आपका ज्योति, ज्योति
तीव्रता का मात्रक होगा, ठीक है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय अहरवाल जी, लखन जी। नेक्स्ट बताना है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, विद्युत शक्ति का। अच्छा एक चीज बताना दोस्तों, अगर विद्युत का पूरी शक्ति से आपको करंट लग जाए, करंट लग जाए तो आपकी क्या लग जाएगी, वाट लग जाएगी, है ना। विद्युत का अगर करंट लग जाए तो वाट लग जाएगी। आप बोलोगे सर आज तो करंट लग गया, वाट लग गई मेरी, क्या लग गई, वाट लग गई। तो विद्युत का अगर करंट लगा तो आपकी वाट लग जाएगी, तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाट, वाट यानी बी नंबर, ठीक है। बी नंबर बिल्कुल सही बताया है लोकेंद्री जी ढाकड़ ने, है ना, वाट लग गई। इसको देखो इसने क्या पकड़ लिया, विद्युत का एक तार पकड़ लिया ये, तो इसको करंट लगा और वाट लग गई इसकी, क्या लग गई, वाट। तो वाट हो जाएगा आपका विद्युत धारा का, ठीक है। नेक्स्ट है समय का मात्रक क्या होता है, प्रश्न क्रमांक 7 में बताना है, सभी लोग बताएंगे और बढ़िया तरीके से अभ्यास हो रहा है दोस्तों आप लोगों का, है ना, लखन जी, दीपक जी। और समय का जो मात्रक होता है वो आपको पता ही है कि सेकंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला है कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है, कार्य और ऊर्जा का मीटर है, एम्पियर है, केल्विन है या फिर जूल है। तो दोस्तों एक चीज बताना कि आपको कोई कार्य करना है, रोहित जी कार्य करना है तो उसके लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और ऊर्जा आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, जल से मिलेगा, जल यानी कि जूल, ठीक है, जल यानी जूल। तो कार्य करना है, ऊर्जा की जरूरत है और ऊर्जा मिलेगी हमें जल से, तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, जूल यानी कि डी नंबर, ठीक है, जूल यानी जल और कार्य और ऊर्जा जूल हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर, वेरी गुड। अधिकांश लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर बता रहे हैं। दाब का मात्रक बताना है महेश जी, दाब का मात्रक क्या है, प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर और बिल्कुल सरल है। एक क्वेश्चन मात्रक से आपका पूछ लिया जाता है, मात्रक पूरे आपको याद होनी चाहिए। और दाब का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है पास्कल, पास्कल यानी बी नंबर बिल्कुल सही होता है, ठीक है। अब सभी लोगों को दोस्तों रोज जरूर आना है, आप 11 बजे अपन अध्ययन करते हैं रोज, है ना। और पास्कल यानी बी नंबर, ये दाब का मात्रक होता है। प्रेरक का मात्रक क्या है, प्रेरक मीटर है, हेनरी है, केल्विन या फिर जूल है, प्रेरक का। और दोस्तों आपको पता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा जेल प्रहरी का मान के चलो एग्जाम है, पुलिस का एग्जाम है, तो हमें हेन से प्रेरणा लेना चाहिए कि जो हेन जल्दी उठ जाती है सुबह, और सुबह हेन से हमें प्रेरणा लेना है। तो प्रेरक का मात्रक होता है हेनरी, और हेन से प्रेरणा लेना है, प्रेरणा, है ना, तो हेनरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बल का मात्रक है, बल का न्यूटन है, हेनरी है, केल्विन या फिर जूल है, बल का मात्रक क्या होता है। और आप लोग लगे रहते हो कि मुझे सर न्यू बल मिल जाए, नया नया बल मिलता रहे, है ना, न्यू बल मिलता रहे। तो न्यू कौन चाहते हैं, सभी लोग चाहते कि मुझे न्यू बल मिल जाए, न्यू, तो बल का मात्रक भी क्या होगा, न्यूटन, है ना। इस प्रकार से आपको बॉडी बिल्डर अगर बनना है तो आपको न्यू बल चाहिए, तो बल का मात्रक भी न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन। अगला है बल का मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट है आवेश का मात्रक क्या है, आवेश यानी कि 11 का आंसर बताना है। और दोस्तों आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आती है, ठीक है, गुस्सा आती है और वो आवेश में आ जाते हैं, काय में आ जाते हैं, आवेश में। तो आवेश में जो आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यार कूल हो जा, क्या हो जा, कूल डाउन हो जा। तो जो आवेश में आते हैं उनको कूल करना है, क्या करना है, कूल, ठीक है, कूल यानी कि आवेश का मात्रक है कूलाम, कूलाम यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, डी नंबर। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, जो आवेश में आ जाएं उन्हें एक ठंडा पानी दे दो, कूल वो क्या हो जाएंगे, कूलाम हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, आवृत्ति, और आवृत्ति दोस्तों आपको पता है कि हमारी आवृत्ति बढ़ जाती है काय की, हार्ट की, अगर हार्ट अटैक जिसको होता है हार्ट अटैक, उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है हार्ट की, है ना। बोले सर मेरा दिल बहुत धड़क रहा है आज, बोलते ना आप लोग, मेरा दिल धड़क रहा है, और गाना भी है
वो एक गाना आपने सुना होगा, और आवृत्ति बलती है किसकी, हार्ट की या फिर दिल की, ठीक है। तो डी सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, हर्टज, आवृत्ति का मात्रक होगा हर्टज, और सा नंबर बिल्कुल सही होगा, तीन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखना चाल का मात्रक क्या है, चाल, चाल का मात्रक न्यूटन, मीटर प्रति सेकंड, केल्विन या फिर कूलाम। देखो क्वेश्चन कितने भी सरल हो, कैसे भी हो, यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। एक नंबर मात्रक का, यहां से क्वेश्चन मात्रक से आते ही हैं, एक नंबर एग्जाम कोई भी हो, चाहे एमपीएसआई हो, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे जेल प्रहरी हो, एक नंबर का यहां से मात्रक से क्वेश्चन आता है, और इन मात्रक को याद रख लेना है। चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट आपको बताना लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, यानी कि 14 का उत्तर बताना है, लेंस की क्षमता का मात्रक, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि दोस्तों जिसके पास क्या नहीं है, आंखों की रोशनी नहीं है, और उसको अपने बालों में क्या करना है, डाई करना है, तो वो लेंस में देख देख के करेगा, कैसे करेगा, लेंस में देख देख कर डाई करना है, डाई बालों में डाई करते ना बहुत सारे लोग, तो लेंस में देख देख के करना है डाई, तो लेंस की क्षमता का मात्रक भी क्या हो जाएगा, डाई से डाई ऑफ्टर हो जाएगा, यानी डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाता है, प्रश्न क्रमांक 15 में प्रतिरोध, आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि अभी संक्रमण में चला कि बोले प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ, प्रतिरोधक क्षमता, और बोले कि योग करो, योग, और जब हम योग करते हैं तो सबसे पहले तो ओम बोलते हैं, ओम है ना, तो ओम बोलते हैं, इससे क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम, ओम यानी बी नंबर, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या है, प्रश्न क्रमांक 16, जितने भी मात्रक हैं आज पूरे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, और ध्वनि तीव्रता का जो मात्रक होता है हमेशा पूछा जाता है, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेसिबल, ठीक है, डेसिबल, यानी कि जो डी नंबर है, दा नंबर है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है। अणु भार का मात्रक क्या है दोस्तों, अणु, अणु और परमाणु आपने पढ़े हैं विज्ञान में, अणु और परमाणु, बोले सर बहुत सारे परमाणुओं को मिलाकर एक, ये बहुत सारे अणुओं को मिलाकर एक परमाणु बनता है, ठीक है। अब अणु, अगर कोई अणु आप लेने जाते हो बाजार में तो उसका आप मोल भाव करते हो, मोल बोलते हो, अणु का मोल क्या है, अणु का मोल क्या है, तो अणु भार का मात्रक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल है ना, अणु का मोल क्या है, अणु का मोल क्या है, तो मोल यानी आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ए नंबर। नेक्स्ट आपको बताना आयतन का मात्रक क्या होता है, प्रश्न क्रमांक 18 में, मोल, घन मीटर, केल्विन या फिर डेसिबल, और आपको बताया दोस्तों जब आप आयतन निकालते हो है ना, और आयतन निकाला तो ये आयतन का मात्रक होता है घन मीटर, घन मीटर, यानी कि आपका उत्तर होता है विकल्प नंबर बी, ठीक है, बी नंबर, ये घन आयतन का मात्रक होता है ना, घन मीटर। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव विभाव अंतर का मात्रक क्या है, प्रश्न क्रमांक 19 का, और बहुत सारे प्रश्नों को मैंने कवर किया है दोस्तों आज, है ना, एमपी जीके के बहुत सारे प्रश्न, जब हम एमपी जीके पढ़ते हैं 20 प्रश्नों के बहाने हम 100 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, है ना, और जीके में आप कोई भी हो, आज लगभग हमने 20 दूनी 40 10 50 50 प्रश्नों के बहाने लगभग 50 से 100 से 150 प्रश्नों पर चर्चा की है ना। और विद्युत विभव विभवांतर का होता है दोस्तों बोल्ट, क्या होता है, बोल्ट, यानी कि सी नंबर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कोण का मात्रक क्या होगा, कोण, मैं आपसे बोलूंगा कि कोण बनाने के लिए रेडी रहो, है ना, कोण बनाना है, बोले सर मैं रेडी हूं, मैं रेडी हूं कोण बनाने के लिए, तो कोण का मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन, रेडी हूं तू रेडियन, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा,